हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। कहते ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल्पे परत निशान। जी हाँ, अगर परसिस्टेंस बना है, डिटर्मिनेशन है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप जिंदगी में काफी कुछ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा करने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों के बारे में। दैट आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हु कैन अप्लाई फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशंस। वो कौन से लोग हैं जो CSIR नेट एग्जामिनेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। चर्चा के तौर पे बात किया जाए तो सबसे पहला है कि मास्टर ऑफ साइंस। अगर आपके पास मास्टर ऑफ साइंस मतलब MSc है, MSc, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो लोग आप लाइफ साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, ठीक है ना, मैथमेटिकल साइंस हो, अर्थ साइंस हो, इन सभी में आपके पास अगर MSc है, अगर उस रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है, अगर आपके पास इंटीग्रेटेड BS और MS, बैचलर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ साइंस की कहानी बात आती है। अगर बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस है तो भी आप जो है इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इंटीग्रेटेड, याद रहे, अगर सिर्फ बैचलर ऑफ साइंस है तो नहीं दे पाएंगे, तब आपको फिर क्या चाहिए, MS चाहिए, मास्टर ऑफ साइंस चाहिए। अगर इंटीग्रेटेड BS एंड MS है तो आप फाइनल ईयर में जो है इसको अपीयर कर सकते हैं। तीसरे जो लोग हैं वो दे सकते हैं ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, दैट मींस बीटेक, ठीक, बीटेक वाले बंदे भी दे सकते हैं, खासकर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी वाले जो बंदे हैं दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं कि CSIR UGC नेट में ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ ईयर में ही दे सकते हैं, थर्ड ईयर में नहीं दे सकते, ठीक। सवाल यह आ जाता है फिर बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा। यहाँ पे डी फार्मा को रखना थोड़ा सा उचित नहीं है, बट हाँ, बैचलर इन फार्मेसी, क्योंकि चार ईयर के जितने भी फोर ईयर के कोर्सेज हैं उनके में जो है आप फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में दे सकते हैं, या एम फार्मा वाले अपने फर्स्ट ईयर में भी देते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। इसके बाद जो कैटेगरीज फॉलो करती है, MBBS, मास्टर, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, कुछ ऐसे ही होता है जो भी है फुल फॉर्म। MBBS के लोग भी GRF दे सकते हैं अगर देना चाहे, लेकिन उनको जरूरत ही क्या है देने की, तो देते नहीं है। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरीज है जो कि CSIR नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे, फेलोशिप मिलेगा, आगे जो भी करना है, GRF, LS, whatever it is, ये इनकी मर्जी है। सो दीज आर द कैटेगरीज जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी कैटेगरीज आ रही है जिनको की जो है क्वालिफाई, ये जो कि अप्लाई कर सकते हैं CSIR UGC नेट के लिए, ठीक है। तो चलिए, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।